कोलकाता मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में होगी सुनवाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में जांच तेज। सीबीआई के रडार पर केस से जुड़े 25 किरदार जांच के घेरे में। संजय रॉय, संदीप घोष भी। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कोलकाता की घटना पर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी करेंगे विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में प्रदर्शन होगा। कोलकाता मामले में इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में भी प्रदर्शन होगा। शाम 5 बजे मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया जाएगा। वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की आज होगी पहली बैठक। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बातचीत। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने नदवी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बयान पर सपा नेता आशीष का पलटवार। कहा, चुनाव के परिणाम से हताश है पार्टी। एमपी के रतलाम में स्कूल के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी झंडा फहराने पर बवाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया चक्का जाम, सख्त कार्रवाई की मांग की। बदायूं में दलित संगठनों के धरना प्रदर्शन के दौरान सिविल ड्रेस में सिपाही की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की पत्नी के साथ मारपीट हुई है। पारिवारिक विवाद में हुई थी बहस। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दो पक्षों के बीच मारपीट। मौके पर 3 लोग घायल हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के देवरिया में पुलिस अधीक्षक की वजह से चला बवाल। सिंघम बन भीड़ के बीच कूदे एसपी। प्रदर्शनकारियों को दौड़ाने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवती को बीच सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। एक युवक बाल पकड़कर बेरहमी से पीटता आया नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के रायबरेली में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट हुई है। लूट के दौरान बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। 8 लाख रुपए बाइक लूटकर बदमाश फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ के दौरान एक दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। गोलीबारी के दौरान पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास, उम्र कैद के साथ 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ससुर पर लगा बहू की हत्या के प्रयास का आरोप। प्रेमी के पास जाने से नाराज होकर ससुर ने दिया वारदात को अंजाम। जयपुर में कर्ज उतारने के लिए बच्चे का किडनैप किया गया। हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 9 घंटे की तलाश के बाद नाबालिग बच्चे को ढूंढ निकाला। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 18 अगस्त को मिले सिरकटे लाश की शिनाख्त हुई। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी आलोक कुमार रंजन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजीपुर में जुए के अड्डे पर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने की छापेमारी। जुआरियों में मचा हड़कंप। पुलिस को देखकर भागे कई जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के महोबा में दिल्ली का शातिर ठग गिरफ्तार हुआ। महोबा के व्यापारी से 3 लाख रुपए ठगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। नकली जेवर गिरवी रखकर वारदात को अंजाम देता था। एमपी के नर्मदापुरम में ट्रक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हादसे का शिकार हुई बस। दर्दनाक हादसे में 1 की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। मिर्जापुर में झरने में तेज बहाव में बहे 6 सैलानी। 5 सैलानियों को सुरक्षित बचाया गया। 1 की मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से शव को बरामद किया गया। आंध्र प्रदेश के कडपा में करंट की चपेट में आए 2 बच्चे। 1 की मौके पर मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर। त्रिपुरा में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच ट्रेन के लोको पायलट ने दिया सूझबूझ का परिचय। लोको पायलट ने समय रहते एक ट्रेन को बचा लिया।
और कोलकाता रेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू होगी। बता दें, लगातार आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद दो दिन पहले मामले पर सुनवाई हुई थी और आज का दिन एक बार फिर तय किया गया था इस मामले पर सुनवाई के लिए। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, 11 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होनी है। और जब दो दिन पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो सबसे पहले ये मामला रखा गया था सुनवाई के लिए, जिसमें ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। और अब आज एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है और उसी पर अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी कि अब तक की जांच में क्या निकल कर सामने आया है, क्या स्टेटस है, किन किन लोगों से पूछताछ की गई है और जो पूछताछ की गई है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने सीबीआई ने रख दिया स्टेटस रिपोर्ट के जरिए। वहीं अब कोलकाता मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई लोगों से अब तक इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, सभी चीजें इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं और आज उसी आधार पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन अब सीबीआई जांच के 25 किरदार कौन से हैं ये आपको बताते हैं। किरदार नंबर 1 संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है जिसको पकड़ा गया था। सबसे पहले आपको बता दें सीबीआई जांच का किरदार नंबर 2 हम आपको बताते हैं, संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजेकर मेडिकल कॉलेज का, अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। वहीं किरदार नंबर 3 अब आपको बताएंगे, लेडी डॉक्टर का शव देखने वाला वो पहला शख्स, किरदार नंबर 3 है। 4-5 जो है वो पीड़िता के माता और पिता हैं, किरदार नंबर 4 और किरदार नंबर 5। और 6 नंबर किरदार की अगर बात करें तो देखिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परिवार को कॉल किया और मौत को आत्महत्या इसी ने बताया था, ये भी आपको बता रहे हैं। वही आपको किरदार नंबर 7, 8, 9 और 10 यानी कि पीड़िता के साथ जिन डॉक्टर्स ने खाना खाया वो 4 डॉक्टर्स, इन ये 7, 8 और 9 और 10 नंबर है। वहीं 11 नंबर किरदार की अगर बात करें तो देखिए, खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय भी स्टेटस रिपोर्ट में है। एएसआई आरूप दत्ता की अगर बात करें तो बैरक में हत्या करने के बाद सोया संजय रॉय जहां पर गया था वो एएसआई आरूप दत्ता, वो भी किरदार नंबर 12 है। किरदार नंबर 13 की अगर बात करें तो देखिए, सौरभ संजय रॉय का दोस्त, यानी कि दोनों ने ही घटना वाली रात एक साथ बैठकर शराब पी थी, आपको याद होगा। और किरदार नंबर 14, 15, 16, 17 वही 4 जूनियर डॉक्टर्स पीड़िता के जो बेहद करीबी रहे हैं वो हैं किरदार नंबर 14, 15, 16 और 17। किरदार नंबर 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स भी सीबीआई जांच के किरदारों में आते हैं। किरदार नंबर 23 की अगर बात करें तो बुलबुल, जो अस्पताल की बड़ी अधिकारी है, ये भी इसमें आती है। किरदार नंबर 24 चेस्ट विभाग के अधिकारी है, किरदार नंबर 24। और किरदार नंबर 25 की अगर बात करें तो अस्पताल का जो ग्राउंड स्टाफ है वो किरदार नंबर 25 है। तो देखिए किस तरीके से सीबीआई जांच के 25 किरदार आपको बताओ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनसे बात हो रही है और जिसके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। संदीप घोष, जिनसे लगातार कई दिन से पूछताछ चल रही है और माना जा रहा है कि अहम और बड़े खुलासे इससे पूछताछ में हो सकते हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष,